नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रिपेयर अप्लाइसेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑप्टिमा के डिसएडवांटेज के बारे में, इसमें कौन कौन सी कमियां हैं दोस्तों उसके बारे में पूरी डिटेल में आपसे बात करूंगा। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हो तो उसके पहले आपको इसकी कमियों के बारे में जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। इसका दोस्तों रिव्यू की वीडियो मैंने पहले हमारे चैनल पर डाल दी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और राइट साइड ऊपर आई बटन में दे दूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कमियाँ बताता हूँ इसकी, आप देखिए यहाँ पर पास में आ जाइए इसके। और यहाँ पे तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है, आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी हल्की क्वालिटी है, यहाँ से इसका लॉक निकल भी गया है। तो यहाँ पे आप अगर कोई बैग वगैरह रखते हो, ज़्यादा हैवी बैग रखते हो तो आपके ये यहाँ से लॉक वगैरह निकल जाएंगे। प्लास्टिक इसकी दोस्तों काफ़ी हल्की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेन जो इसकी डिसएडवांटेज है इसकी प्लास्टिक है, काफ़ी हल्की प्लास्टिक दी है कंपनी ने। ज़्यादा लोडिंग के टाइम पर अगर आप ये ऐसे होता है यहाँ से लॉक वगैरह निकल जाते हैं तो दोबारा से आपको लगाने पड़ सकते हैं। और दूसरा दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में आपको बताता हूँ इसमें कौन सी कमी है। तो जैसे हम दोस्तों ऑन करेंगे इसको, इसकी जो बैटरी स्टेटस है यहाँ पे ये प्रॉपर शो नहीं कर पाता, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है। अगर हम रेस देंगे तो तुरंत ही इसका वोल्टेज डाउन हो जाएगी, रेस छोड़ देंगे और तो ये वोल्टेज अप हो जाएगी, तो प्रॉपर ये वोल्टेज नहीं बता पाता, ये इसकी कमी है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फुट रेस्ट जो दोस्तों कंपनी साथ में नहीं देती है, जो साइड फुट रेस्ट होता है जिस पर लेडीज़ वगैरह बैठती हैं उस पर दोस्तों इन्होंने साइड में नहीं दिया है, ये हमें गार्ड के साथ लेना पड़ता है। तो ये भी इसमें कमी है, आपको फुट रेस्ट बिल्कुल भी साथ कंपनी साथ में नहीं देगी। और नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो है ड्रम ब्रेक दी हुई है, तो यहाँ पर डिस्क ब्रेक नहीं है, तो आपको थोड़ा सा जब एमरजेंसी कोई ब्रेक लगानी पड़ेगी तो आपको थोड़ा पहले लगानी पड़ती है, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक एकदम से रुक जाती है। अगर आपको एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी तो ये ब्रेक नहीं लगेगी, तो थोड़ा ये भी इसमें डिसएडवांटेज है। और नेक्स्ट दोस्तों इसकी लोड के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको, जैसे इसमें दो जने बैठ जाएंगे तो ये इसकी जो स्पीड है थोड़ी कम हो जाएगी, और जैसे आपको इसकी स्पीड बढ़ाओगे तो एकदम से स्पीड नहीं पकड़ेगी, धीरे धीरे पकड़ेगी, तो अब ये भी इसमें डिसएडवांटेज है दोस्तों। मेन इसमें बात दिक्कत ये होगी, जब रोड क्रॉस करना चाहते हो तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आगे पीछे जो है ट्रैफिक काफ़ी कम हो। अगर अब ट्रैफिक आ रही है और अब आप एकदम से निकालने की कोशिश करोगे तो निकलेगी नहीं, तो थोड़ा सा आपको गैप देखना पड़ेगा कि अगर रोड खाली है तो भी आप क्रॉसिंग करें, ज़्यादा ट्रैफिक वाले में आपको थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है इसमें। तो नेक्स्ट दोस्तों, और नेक्स्ट दोस्तों इसमें इसके स्टैंड के बारे में, ये दोस्तों के जो साइड स्टैंड है ये बहुत ही, जब हम इसको साइड स्टैंड पर लगाएँगे तो इसको हल्का सा भी आगे करेंगे तो स्टैंड अपने आप बाहर निकल जाता है, ये भी इसमें कमी है। और जो इसका जो ये वाला स्टैंड है फुल वाला, ये भी दोस्तों चलते समय काफ़ी आवाज़ करता है, इसकी भी स्प्रिंग क्वालिटी थोड़ी बढ़िया नहीं है तो ये आवाज़ काफ़ी करता है, जब कोई खड्डा आता है तो इसमें आवाज़ आती है। और नेक्स्ट दोस्तों इसकी सेंटर लॉकिंग के बारे में, जब इसका हम सेंटर लॉक लगा देते हैं जो इसमें हॉर्न बजता है, इसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है, तो इसमें दोस्तों दिक्कत ये है कि इसमें से अगर कोई हैवी चीज़ निकल गई, जैसे बुलेट वगैरह निकल गया, उसकी धक धक से ही इसका सेंटर लॉकिंग आवाज़ करनी शुरू कर देती है, और इसमें कोई ऑटो वगैरह निकलेगा तो भी ये सेंटर लॉकिंग इसकी आवाज़ करनी शुरू कर देती है। इसको बिना हिलाए भी ये हल्की से भी वाइब्रेशन हो तो भी इसकी जो है सायरन उसको बजना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी इसमें दोस्तों कमी है। कभी कई बार कोई छूता भी नहीं है इसको तो भी ये आवाज़ करनी स्टार्ट कर देता है। और नेक्स्ट दोस्तों इसकी जो बैटरी कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 3 साल की तो कंपनी वारंटी देती है, लेकिन उसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी भी, इसमें दोस्तों 2 बैटरी लगी हैं, 3 साल की तो दोस्तों कंपनी वारंटी देती है, लेकिन उसके बाद आपको इसकी जो बैटरी कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली, क्योंकि इस समय इसकी करंट वैल्यू जो बोल रहे हैं वो 18,000 के आसपास बोल रहे हैं, तो आपको 36,000 का खर्चा पड़ेगा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी भी थोड़ी कॉस्ट अभी कम होनी चाहिए, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। और नेक्स्ट दोस्तों के इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी दे दूं कि इसका अगर कोई पार्ट्स ख़राब हो जाता है, कोई दिक्कत आती है, तो जो कंपनी है वो आगे से मंगवा के देती है, उसके बाद सर्विस जो पार्ट्स जो है अवेलेबल नहीं होते हैं, तो कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब होता है, बैटरी चार्जर, तो आपको 3-4 दिन की वेट करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप किसी गाँव में रहते हो तो ज़्यादा वेट करनी पड़ सकती है, शहर में आपको 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे कम से कम। तो दोस्तों जो हमें इसमें कमियाँ महसूस हुई तो मैंने आपको बता दी हैं, अगर आपके इसके अलावा भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।